और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के बड़े नेता तक देश में इलाज करवाते हैं, जबकि कांग्रेस में ऐसा नेता नहीं जिसने देश में इलाज करवाया हो। शिक्षा मंत्री ने बड़ौदा चुनाव, टीजीपी और पीजीटी भर्ती के साथ प्रदेश में स्कूल खोलने समेत तमाम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। टाइम से कांग्रेस का राज रहा तो जरा कुछ लीडरों के बता रहे जो भी कोई उनके टाइम में किसी मुख्यमंत्री ने सरकारी हॉस्पिटल में जब इलाज कराया, उनके प्रधानमंत्री ने कराया, उनके मंत्रियों ने कराया, किस किस ने कराया उनकी जरा एक सूची एक जारी कर दें। हम भारत राज भी 5 साल से है, 5.5 साल से है और उनका राज तो मेरे अलग अलग बहुत लंबे टाइम तक 60-65 साल तक रहा। तो कोई 60-65 ही नाम बता दें, 60-65 साल में कोई ऐसे नाम बता दें कि ये जिनका उन्होंने राज कराया। और मैं तो ये कहूँगा कि आप उनकी तो बात छोड़िए, कांग्रेस के किसी MLA के ही नाम बता दें। जब हमारा विश्वास तो है कि हम अपने देश में इलाज कराते हैं और अपने हमारे तो प्रधानमंत्री ने भी जब घुटनों का ऑपरेशन कराया था उन्होंने वो भी भारत में कराया था। यहाँ तक तो JBT की बात है, वहाँ तो हमारे पास सरप्लस है, वहाँ तो हमारे पास कोई पोस्ट खाली है नहीं। लेकिन जहाँ तक PGT और PGT की बात है, वहाँ हमारे पास पोस्टें खाली हैं और हमने जो अपना कर्मचारी चयन आयोग है उसको उन्होंने लिख दिया है उसके लिए और जल्दी उसकी भर्ती प्रक्रिया होगी। और जहाँ तक जो प्रमोशन से हमारी पोस्टें बन जाती हैं उसकी प्रक्रिया हमने शुरू कर रखी है। जैसे अभी BO हमारे यहाँ लगभग पूरी तरह से खाली थी, अभी हमने BO की प्रमोशन कर दी, प्रिंसिपल की प्रमोशन हमने कर दी और भी जो लोग जिनकी प्रमोशन है जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं प्रमोशन। देखिए स्कूल तो तभी खुलेंगे जब केंद्र की तरफ से हमें परमिशन मिलेगी इसकी, और जो भी उनकी गाइडलाइन होगी उसकी गाइडलाइन के अनुसार ही हम स्कूल को खोल लेंगे। व्यक्तिगत राय मेरी ऐसी थी कि जो बड़ी क्लास है उनको अगर हमें परमिशन मिले तो खोल लें, क्योंकि ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग की और दूसरी कोई समस्या गाँव में है नहीं। देखिए चुनाव हम मिलके सरकार चला रहे हैं, मिलके ही चुनाव लड़ा जाएगा, ये तो फैसला अभी पार्टी में दोनों ने बैठ के करना, जो पार्टी करेगी। माने मुख्यमंत्री जी या हमारे प्रदेश अध्यक्ष वही इसके बारे में कुछ जो भी कहेंगे तो उनका ही ज्ञान जो है वही ऑथेंटिक बयान होगा, तो वही इसके बारे में जो भी कहेंगे तो वो कहेंगे। लेकिन मुझे ऐसी पूरी आशा है कि 100% BJP जीतेगी, भले ही कांग्रेस वहाँ लगातार जीतती रही है। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस और लोकदल वहाँ हमेशा जीतते रहे हैं, लेकिन बड़ौदा बहुत बैकवर्ड है। फिल्म में टाइम से कांग्रेस का राज रहा तो जरा